कोरापुट के भाई और बहनों, आपको मेरा नमस्कार। चुनाव है, लोकतंत्र पर और संविधान पर आक्रमण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है, संविधान की रक्षा कर रहा है। मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस संविधान को जड़ से निकालकर फेंकना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो भी आपको मिला, देश के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सब संविधान के कारण मिला है। और जो किताब आपको अधिकार देती है, उस किताब को अब ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की हर संस्था में अपने लोग बैठा दिए हैं। जो आपकी पूंजी थी, पब्लिक सेक्टर जो था, उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों को दे रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि जितना पैसा ये अरबपतियों को देंगे, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के, ओडिशा के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों और आदिवासियों को देने वाले हैं। सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के पहले मालिक थे। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं और जिनके कोई अधिकार नहीं होते। जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं, वो आपका अपमान करते हैं। और जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन आपकी होनी चाहिए, वो हम आपके हवाले कर देंगे। हालत ऐसी हो गई है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 25 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने इनका माफ करके दिया है। किसानों की हमने कर्जा माफी की थी। अगर आप वही कर्जा माफी 24 बार करें, हर साल 24 साल के लिए करें, तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। इतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, उनके मित्र हैं, उनके जानकार हैं, और पूरा का पूरा देश का धन उनको दिया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी स्थिति को बदलने के लिए क्या करेगी? हम आपके लिए 5 गारंटियां ला रहे हैं। सबसे पहले, हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। परिवार में एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए खटाखट उस दिन तक मिलेंगे जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से निकलना चाहे। ये हमारी पहली गारंटी, इसका नाम महालक्ष्मी। दूसरी गारंटी, पहली नौकरी पक्की। नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। अब हम पहली नौकरी का अधिकार हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और डिप्लोमा होल्डर्स को देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, पीएसयूज में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आपको 1 साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा। 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट पर जाएंगे। दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग आपको मिलेगी और हर महीने 8,500 रुपए, 1 साल के 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट। और हिंदुस्तान को एक बेहतरीन मॉडर्न ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिलेगी। तीसरी गारंटी किसानों की, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और आप जानते हो, उड़ीसा के किसान जानते हैं कि आपको कभी भी
धान के लिए, शुगर केन के लिए, गेहूं के लिए सही दाम नहीं मिलता। हम पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। इसके माध्यम से आपको धान के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम मिलने जा रहा है। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए मिनिमम वेज को हम 400 रुपए कर रहे हैं। आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं, सरकार के बनने के एकदम बाद 400 रुपए मिलेंगे। आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनकी आमदनी दुगनी होगी। महिलाओं को सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में 50% रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। और आखिरी बात जाति जनगणना, हम चाहते हैं कि देश के सब लोगों को पता लगे कि इस देश में उनकी कितनी भागीदारी है। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को ये पता होना चाहिए कि इस देश में वो कितने हैं और इस देश की जो संस्थाएं हैं, इस देश का जो धन है उसकी कितनी भागीदारी उनके हाथ में है। इसके लिए जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कानून होगा और इसको भी हम लागू करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, याद रखिए, हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए ये चुनाव लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ हूं, आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आज नहीं आ पाया। मुझे रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना पड़ा। मैं कुछ ही समय में आपसे मिलने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय ओडिशा। हेलो टेंथ एग्जामिनर्स, आपण माने एमते एक स्कूल खोजुचंती कि जेउंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परबे, तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।